गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्कॉट गार्ड की ड्यूटी करते टाइम आपको जो भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्वेश्चन आते हैं, कौन से कैसे आंसर देना है। तो जो पहले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, अब ये दूसरे पार्ट में देखेंगे हम अभी और कुछ जो क्वेश्चन है और सीनियर है तो आपको कैसे उसको आंसर नहीं करना है और कैसे उनको जवाब देना है। दोस्तों तो स्कॉट की ड्यूटी करते टाइम बहुत सारे आपके रूट में सीनर आते हैं, यानी कि घटनाएं घटती है, दुर्घटनाएं होती है, उस टाइम आपको क्या एक्शन करना है क्या नहीं, उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसी के जवाब और आंसर क्या होने चाहिए, ये आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। दोस्तों तो देखो आप ट्रांसपोर्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, स्कॉट में जा रहे हैं, तो क्या आंसरिंग होता है, क्या घटनाएं होती है रोड पे, कैसे उसको आपको रिस्पॉन्स करना है, ये आज के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। दोस्तों तो क्वेश्चनर आपको पूछेगा सवाल कि ट्रांसपोर्ट ड्राइवर प्लेइंग अ रेस, जो भी आपकी गाड़ी कैब जा रही है वो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है, उसमें आप है फीमेल एम्प्लॉय है और रूट में ड्राइविंग करते टाइम क्या कर रहा है दोस्तों, अदर मोटर से रेस कर रहा है, यानी कि उसके गाड़ी के बराबर दौड़ रहा है, उसको आगे पीछे कर रहा है, कह रहा है, तो उससे क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ, जो भी जिसके साथ वो रेस्ट कर रहा है उस मोटरिस्ट ने उसको जाके सामने से गाड़ी को स्टॉप कर दिया, बाहर निकल आया, आपकी गाड़ी कैब ड्राइवर है उससे मैन हैंडलिंग से यानी कि झगड़ा हुआ दोनों का, उन्होंने उसको झपेटा और आपकी गाड़ी की कैब की चाबी लेके वो साइड में रह गए, तो उस टाइम आपका ड्यूटी क्या रहेगा, आप क्या करेंगे दोस्तों। तो अगर गाड़ी ड्राइवर और आप मानते हैं कि गाड़ी ड्राइवर की गलती है तो आप तुरंत उस जो भी बंदा है जिसने गाड़ी की चाबी ली है उससे पोलाइटली बात कीजिए, उसे सॉरी बोलिए, और अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो उसको बोलिए हमारे ड्राइवर की गलती हो गई, तो उससे अगर ड्राइवर को सॉरी करने के लिए बोलिए, तो ड्राइवर अगर मान नहीं रहा है सॉरी नहीं कराए तो आप ड्राइवर की तरफ से सॉरी बोल दीजिए, उस जो भी पर्सन है उसको समझाने की कोशिश कीजिए और उसको बता दीजिए, उसको उसको एक महसूस करा दीजिए कि अंदर एक फीमेल एसोसिएट है, अगर आप ऐसे ही मेरा हमको चाबी नहीं देंगे ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे तो जैसे आपके घर में जो भी आपकी माँ आता है बहन है उसी तरह अब जैसे फीलिंग होगा उनको उसी तरह वो फीमेल एम्प्लॉयज उसको महसूस होगा, तो उसको पोलाइटली बात कीजिए, अगर बनती है तो अच्छी बनती है, अगर वो जेंटलमैन है तो आपको जरूर हेल्प करेगा, कीज वापिस देगा और आप अपना रूट तय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस अगर ऐसा आपने किया फिर भी वो मान नहीं रहा है और वो क्या कर नहीं रहा है, अगर आपकी चाबी नहीं दे रहे वो झगड़ा करते रहे, तो तुरंत आपको क्या करना है उसके बाद में, दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीम से क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है और बोलना है उनको दूसरी कैब जो सीनियर उनको बताना है और दूसरी कैब सेकंड कैब ये भेजने के लिए बोलना है दोस्तों, आपका लोकेशन उनको बोलना है। उसके बाद में अगर उनका झगड़ा नहीं होता जा बढ़ता ही जा रहा है, उससे कुछ निकल नहीं रहा है, तो लास्ट टाइम आपके सीनियर से कांटेक्ट करके पुलिस को इन्फॉर्म करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये ऐसा अगर सीनियर होता है तो आपको क्या क्या करना है मैंने अभी बताया, पहले आपको आपकी तरफ से हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको पोलाइटली बात करेंगे, अगर जेंटलमैन रहेगा तो हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा ड्राइवर से उसको सॉरी बोलने के लिए, अगर नहीं कहता है सॉरी तो तुरंत क्या करना है उसको एक इमोशनल ब्रेक करना है, वो भी फिर भी नहीं मानता है तो तुरंत अपनी ट्रांसपोर्ट टीम को दूसरी गाड़ी भेजने के लिए बोलना है और पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करना है दोस्तों। तो ये ऐसा सिग्नल आ गया तो आपको ये जो वर्कआउट करना है तो आपको बताना आना चाहिए दोस्तों इंटरव्यू को, अगर ऐसा सीन होता है तो मैं ऐसे ऐसे पोजीशन में ऐसा ऐसा करूंगा दोस्तों। उसके बाद में अगर दूसरा सीनर है दोस्तों, आपकी गाड़ी जा रही है उसमें फीमेल एम्प्लॉय है, रास्ते में ही मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, वो जो भी फीमेल एम्प्लॉय है उसको पेन होने रही है, चेस्ट में दर्द होने लगा है थोड़ा, जैसा कि यानी कि नॉर्मल अटैक हार्ट अटैक जैसा माइनर उसको पेन हो रहा है, तो आप क्या करोगे उस टाइम, और उस टाइम आपकी गाड़ी में दो और एम्प्लॉय है तो क्या करोगे उस टाइम। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे आप तुरंत दोस्तों, तो आप तुरंत अपनी ट्रांसपोर्ट टीम को कॉल करेंगे तो आपका जवाब रहेगा दोस्तों, आप अपने ट्रांसपोर्ट टीम को कॉल करेंगे और बोलेंगे उनको
जो भी है आपके जो नियरेस्ट बाय हॉस्पिटल में पहले पहुंचने का ये करेंगे, उस नियरेस्ट बाय हॉस्पिटल में आप पहुंच गए तो तुरंत अपने उनको हॉस्पिटलाइजेशन करके अपने ट्रांसपोर्ट टीम से कांटेक्ट करेंगे और दूसरी गाड़ी भेजने के लिए बोलोगे, दूसरी लोकेशन देखेंगे। और उस टाइम एम्प्लॉय को भी आप क्या करोगे दोस्तों, जो भी दो एम्प्लॉय उनको बोलेंगे कि सर आप हॉस्पिटल तक आइए हमारे साथ, वहां से दूसरी गाड़ी का इंतजाम करेंगे हम और वहां से आप चले जा सकते, लेकिन तब तक नियरेस्ट बाय हॉस्पिटल में आ सकते हैं। क्योंकि जो भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉय तो समझ जाते हैं दोस्तों, वो भी उनके फ्रेंड्स रहते हैं कंपनी में काम करने वाले, तो मना नहीं करेंगे आपको और वो वहां तक आपके साथ आएंगे। तो तुरंत उनको हॉस्पिटलाइजेशन देके अब दूसरी गाड़ी के ट्रांसपोर्ट टीम से लेकर उनको आगे का रूट तय करने के लिए बोलना है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको अगर ये ऐसा सीनर आ गया तो आपको क्या करना है, अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करना है, और जो भी दूसरे एसोसिएट है एम्प्लॉय जेंट्स एम्प्लॉय है उनके लिए क्या करना है, कैब मंगा के लेना है, उनको उस कैब से जाने के लिए बोलना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट सीनर होता है, आपके कैब में दो फीमेल एम्प्लॉय है और उसी टाइम क्या होता है, दो फीमेल एम्प्लॉय है और आप एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जाते टाइम गाड़ी जो भी फर्स्ट ड्रॉप एम्प्लॉय है उसके घर के नजदीक आ गई है, लेकिन जो जाने का रास्ता है उसके घर की तरफ वो नैरो यानी कि थोड़ा कम है और उस उधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत सारा मटेरियल्स रोड पे गिरा है, तो कैब उसकी उसके घर तक नहीं पहुंच रही है, तो आपका ड्यूटी क्या होगा दोस्तों? तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो उस टाइम आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी एसोसिएट है एम्प्लॉय है उस जिसका ड्रॉप होने वाला है, तो आपका ड्यूटी एस्कॉर्ट का होता है दोस्तों उस लेडी एम्प्लॉय को उसके घर तक पहुंचाना, सिक्योर पहुंचाना। तो उस टाइम आप उस जो भी लेडी एम्प्लॉय का जो ड्रॉप है उसको बोल दीजिए, आपके घर में जो फिर मेल एम्प्लॉय रहेंगे उसको कॉल करके नीचे बुलाइए, आपके आपके पास अगर उनके हस्बैंड रहेंगे या तो पिताजी रहेंगे कोई भी होगा भाई होगा तो उनको बुला के लेने के लिए बोले। अदरवाइज अगर उनके कोई घर में नहीं है भाई नहीं है और वो आपके हस्बैंड के साथ रहते हैं, हस्बैंड का भी नाइट शिफ्ट चल रहा है, तो उस टाइम क्या करोगे दोस्तों? अगर ये आपका पहला जो ये आंसर है वो ऐसा उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और जो भी है उसके घर में कोई फीमेल मेल एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके बाद में आपका दूसरा आंसर रहेगा दोस्तों, उस मैडम के साथ आप जा सकते, यानी कि दूसरी जो मैडम है उसके साथ, तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैडम आप भी चलिए हम दोनों जाके उनको छोड़ पे आएंगे घर पे और फिर आपका आगे का रुट जाएंगे। लेकिन अगर वो दोस्ती उसकी दोस्त है तो मान जाएगी दोस्तों आपके साथ आएगी, लेकिन तुरंत दोस्तों अगर दूसरी और उनकी जमती नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया मैं नहीं आ रही भैया तो ऐसा बोलेंगी, तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो तुरंत आपको ट्रांसपोर्ट को कॉल करना है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीम को बताना है दोस्तों क्या ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं पहली वाली एसोसिएट को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, दूसरी वाली एसोसिएट कैब में है और जो भी है ड्राइवर, तो ड्राइव आप एस्कॉर्ट के टाइम जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैब ड्राइवर की होती है, तो उसके साथ उनको बोलिए मैडम को कि बाहर ना निकले गाड़ी के अंदर ही रहे, ये सब उनको बता के ट्रांसपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करके आपको उनको छोड़ने के लिए जाना है, वापिस आगे का रूट तय करना है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा ही सीनारो हो गए तो आपके ये सब आंसर हो गए, उनको पहले आपको लेडी एसोसिएट को मेल एम्प्लॉय उनको बुलाने के लिए बोलना है, उसके बाद में दूसरी जो आपके साथ मैडम है उसको क्या करना है दोस्तों उसके साथ में लेके जाना है, और तीसरा ऑप्शन है आपको ट्रांसपोर्ट टीम को कॉल करके बताना है ऐसा ऐसा कैब में अकेली मैडम है। तो ये आपको सीनारो को ये तीन आंसर दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद का सीनारो क्या होता है दोस्तों, आप ड्यूरिंग रूट में हो, एसोसिएट है आपके साथ फीमेल एम्प्लॉय है जेंट्स एम्प्लॉय है और आप ड्यूरिंग रूट में जा रहे हो, तो आगे से क्या हो रहा है प्रोटेस्ट आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा लोगों की भीड़ आ रही है, आंदोलन आ रहा है और वो देख रहे हैं आप सामने की वो मोड़ तोड़ 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 झपड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं, गाड़ी को तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपका डिसीजन क्या होगा और आपका जो भी इंटरव्यू को आंसर क्या दोगे दोस्तों? तो उस टाइम में आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट में जो भी ट्रांसपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना है और आप दूसरा रूट चेंज कर सकते हो, ये उनको बताना है, अगर रूट चेंज कर रहे हो तो आपको अगर ट्रांसपोर्ट अनुमति देता है तो दूसरा अगर रूट आपको मिल सकता है क्या पीछे लेके बैक साइड में लेके, तो दूसरा रूट आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी गाड़ी उस बीचों बीच फंसी है, आपकी गाड़ी बैक साइड में नहीं आ रही, आगे भी नहीं जा रही, तो उस टाइम आपको क्या करना है दोस्तों, बैक साइड
अगर आ रही है तो एक ऑप्शन है, थोड़ी बहुत बैक साइड में आ रही है और ट्रांसपोर्ट रूट चेंज करने के लिए मना कर रहा है, तो आपको थोड़ी, अगर आपकी कैब बैक साइड में आ रही है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या तो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पे आप कैब लगा के जो भी आपका प्रोटेस्ट है जब तक खत्म नहीं होता तब तक थोड़ी देर रुक सकते हैं और उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। लेकिन आपकी गाड़ी बीच में फंसी है, पीछे भी नहीं आ रहे आगे भी नहीं जा रहे, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो दोस्तों? तो तुरंत उस टाइम आपको पैनिक स्विच दबाना है और दूसरी गाड़ी को बुला के लेना है दोस्तों, और जो भी नियरेस्ट सेफ जगह है रेसिडेंशियल या पुलिस स्टेशन एरिया तो उधर जाके आपको रुकना है और जैसे ही गाड़ी आती है तो उसमें आगे जाना दोस्तों। उसके बाद में अगर दूसरी गाड़ी पूरा रास्ता पैक हो गया, दूसरी गाड़ी आ नहीं रही है, तो आपके पास और पॉसिबिलिटी रहती है दोस्तों लास्ट वाली कि पूरे दरवाजे पैक करके गाड़ी के आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जो भी अंदर झुक के रह सकते हो, यानी कि प्रोटेस्टर को अगर आप भी गए तो उनको बोल सकते हो कि लेडीज एम्प्लॉय है, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो तोड़फाड़ मोड़ करने की, ये भी आप कर सकते हो दोस्तों। तो ये सब सीनारियो हुए दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो ऐसे रूट में अगर प्रोटेस्ट आता है तो आपको क्या क्या करना है, पहले तो आपको अनदर रूट यूज कर सकते हो अगर ट्रांसपोर्ट बोल रहा है तो, उसके बाद में क्या आपको बैक साइड में लेके थोड़ा देर रुक सकते हो, अदरवाइज आप पैनिक स्विच बटा के दूसरी गाड़ी मंगा सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो डोर के सब गाड़ी की व्हीकल की कैब वगैरह बंद करके। दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट सीनर है, एक ट्रांसपोर्ट कैब है दोस्तों और उसमें का आप दो एसोसिएट, उसमें एक जेंट्स है एक लेडीज है, लेडीज को आप छोड़ने के लिए घर में गए, उसके घर जा रहे हो और एक जेंट्स एम्प्लॉय गाड़ी में ही है, उसी दौरान क्या करता है आपका कैब ड्राइवर अल्कोहल यानी कि ड्रिंक कर लेता है नीचे छुपके वगैरह इधर उधर, और तुरंत आप जब वापिस आते हो तो आपको क्या पता चलता है कि उसने ड्रिंक लिया है यानी अल्कोहल लिया है दोस्तों, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो दोस्तों? तो दोस्तों आपका आंसर उस टाइम क्या होना चाहिए दोस्तों कि अगर उसने ड्रिंक लिया है कैब में, दूसरा लेडीज एसोसिएट और जेंट्स एसोसिएट है अगर, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों? तो सीधा आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आपके ट्रांसपोर्ट टीम को कॉल करके बताइए सर ऐसा ऐसा हुआ है, और वो कैब को उधर ही रोक दीजिए और दूसरी कैब बुला लीजिए। अगर अदरवाइज अगर वो जो भी एसोसिएट है वो बोल रहे जाने दो कुछ नहीं होता तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अल्कोहल ड्रिंक करके ड्राइवर गाड़ी चला सकता है तो कुछ भी हो सकता है, तो आप रिस्क मत लीजिए, आपके ट्रांसपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, दूसरी अदरवाइज गाड़ी बुलाइए, और क्या करना है दोस्तों आपको दूसरी गाड़ी आने तक उधर रुकना है, गाड़ी ड्राइवर को भी उधर रुकना है और दूसरी गाड़ी के साथ आपको आगे यूज करना है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो आपके सीनियरों का आंसर ऐसा होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद का सीनियर और क्वेश्चन होता है दोस्तों, अगर कैब ड्राइवर ड्रॉप के टाइम आते टाइम क्या कर रहा है दोस्तों, आप ड्रॉप पूरा क्लियर करके आ रहे हैं, अब ड्रॉप लेडीज एसोसिएट उतर गई है, आपने इन्फॉर्म भी किया है, और ड्रॉप से कंपनी की तरफ आते टाइम जो ड्राइवर है वो पैसा कमाने के लिए जो अननोन पर्सन है उनको गैप में ले रहा है यानी कि सीट भर रहा है और पैसा कमाने की सोच रहा है, तो उस टाइम आप क्या कर सकोगे? तो क्या करना है आपको दोस्तों, उसी टाइम ड्राइवर को समझाने की कोशिश करना है, देख भाई नाइट का समय है और आप अगर गाड़ी में ऐसे अननोन आदमी लेंगे तो आप तेरे को मारेंगे मेरे को मारेंगे, गाड़ी ले भागा के ले जा सकते हैं, ऐसे उसको जो भी आने वाली मुसीबत है उससे आगाह करना है बताना है। अगर वो ड्राइवर फिर भी नहीं मान रहा है तो सिंपल है, आपको उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, तुरंत क्या जैसे भी क्या कंपनी में आ रही उसको आने देना है और उसकी झगड़ा मत करना है रास्तों पे, और आने के बाद तुरंत ट्रांसपोर्ट या तो आपके सीनियर को कंप्लेन करना है दोस्तों। ये जैसे भी कैब ड्राइवर आपको ऐसा देखता है क्योंकि वो तुरंत रास्ते से में उसके झगड़ा करेगा तो आपको रास्ते पे उतार भी दे सकता है, इसलिए उसके साथ झगड़ा नहीं करते बैठना है। अगर वो समझाने से नहीं मान रहे तो तुरंत आके गाड़ी में शांति से बैठना और कंपनी में आके आपके सीनियर या ट्रांसपोर्ट को उसको बता देना है, उसकी गाड़ी की कंप्लेंट करना है दोस्तों। उसके बाद में आगे का सीनर है दोस्तों, जो भी आपका जीपीएस रूट है, आपका जो ड्रॉप करने का रूट है, वो रूट छोड़ के दूसरा रूट फॉलो कर रहा है ड्राइवर, और फोन पे बात करके उसके जो भी दोस्त फ्रेंड है उनको बता रहा है कि जो फीमेल एम्प्लॉय है उनके गले में इतने इतने जेवरात है ऑर्नामेंट्स है और उनकी इन्फॉर्मेशन वो दूसरे को दे रहा है, तो उस टाइम आपका एक्शन क्या होगा, तो गार्ड क्या कर सकता है उस टाइम?
तो दोस्तों अगर मान लो जो भी रूट है वो रूट नहीं फॉलो कर रहा है, दूसरे रूट से जा रहा है, और जो भी आपकी लेडीज एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दूसरे को दे रहा है, यानी कि कुछ तो खतरा है, तो उस टाइम आपको क्या करना है दोस्तों? अगर वो आपका गार्ड जो भी ड्राइवर है उसको मना करना है ऐसा करने के लिए, उसको समझाना है। अगर वो नहीं मान रहा है तो तुरंत आपके ट्रांसपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करते देना है, और जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस टाइम उसको भी कॉल करके कॉन्टेक्ट करना है। यानी कि ये सब सिचुएशन करना है आपको, उसको पहले मना करना है, पैनिक स्विच दबाना है, ट्रांसपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करना है, और नियरेस्ट बाय पुलिस स्टेशन को कॉल कर देना है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि ऐसा ऐसा ऐसे सीनारियो में होता है। तो लास्ट वन सीनारियो है दोस्तों देखो, अगर आप आपकी कैब है और ड्रॉप करने के लिए जा रही है, उसी दौरान आपकी गाड़ी रास्ते से जा रही है, तो उसी दौरान एक दो तीन मोटरसाइकिल वाले हैं, उसमें दो दो डबल सीट बैठे हैं, और वो आपकी गाड़ी को 30 मिनट से पिछले 20-30 मिनट से फॉलो कर रहे हैं, और जो भी आपकी जो फीमेल एम्प्लॉइज है बैठी है कैब में, उनको क्या कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ऐसे सीनारियो में आपका एक्शन क्या होगा और आप क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन था, जो भी 8-10 फ्रेंड्स है, एक तो 3-4 बाइक पे बैठे हैं और आपकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं अगर पिछले 30 मिनट से, और जो भी आपकी फीमेल एसोसिएट है उनके ऊपर बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपका एक्शन क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे सीनारियो में आपका एक्शन क्या होगा? तो तुरंत आप अगर पॉसिबल है तो साइड वाले एंगल में ग्लास में देख के आप जो भी बाइक्स है उनका नंबर नोटेड कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो दोस्तों, जो भी ट्रांसपोर्ट टीम है उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, और उसी दौरान आप और क्या कर सकते हो दोस्तों, जो भी आपकी व्हीकल है उसको नियरेस्ट बाय किधर भी रास्ते में नहीं रोकना है दोस्तों। अगर वो पीछा करे कमेंट करने तो करने देना है, अपना गाड़ी व्हीकल किधर भी नहीं रास्ते में रोकना है, और नियरेस्ट बाय पुलिस स्टेशन के पास पहुंचने का है, नियरेस्ट बाय पुलिस स्टेशन के नजदीकी पुलिस स्टेशन के पास जाने की कोशिश करनी है, या तो भीड़ वाली जगह में अपनी गाड़ी को रोक देना है, ताकि भीड़ वाली जो भी आए तो उधर वो गुंडे मवाली जो भी कुछ है पीछे करने वाले वहां से हट जाए, बाजू हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बाइक का जो नंबर है, आपको जो पीछे कर रहे कमेंट्स करे उनका अगर पॉसिबल है तो उसका नंबर नोटेट करना है, आपका जो ट्रांसपोर्ट टीम है उसको इन्फॉर्म करना है, बाइक को आपकी व्हीकल को किधर भी रास्ते में नहीं रोकना है, नियरेस्ट बाय पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट करना है या तो उसके तरफ जाना है, और क्या करना है दोस्तों, भीड़ वाली जगह पे आप गाड़ी रोक सकते हैं दोस्तों। तो ये सब आपका सीनर हुआ दोस्तों। एस्कॉर्ट में ड्यूटी करते समय आपको बहुत सारे रास्ते में सीनर्स आते हैं, तो उसके ऊपर इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत सारे सीनर पूछेंगे, उसके ऊपर आपका एक्शन क्या रहेगा, कैसा आंसर देने का, मैंने आपको आज के वीडियो में बताया दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।